नमस्कार दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर आने वाला। क्या फ्रेंड्स, आप भी चाहते हो कि अपने फोटो को स्टेप से ट्रांसफॉर्म करके फोटो एडिटिंग करना? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन की सहायता से। चैनल पे नहीं है तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से आपको जाना और यहाँ से आपको सारे बैकग्राउंड इमेज को आपको सेलेक्ट कर देना है। बैकग्राउंड लेयर को सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे ऑल फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी गैलरी में से खुद का फोटो लेना है। यहाँ पे मैंने मॉडल PNG फोटो लिया है। PNG फोटो हम जिसका बैकग्राउंड इरेज करते हैं वो PNG फोटो होता है। सो फ्रेंड्स, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे फोटो सेलेक्शन कर देना है। फोटो सेलेक्ट होने के बाद फ्रेंड्स आप इस फोटो के अंदर पहुँच जाएंगे। यही फोटो को आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर देना है। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ऊपर में टॉप में डुप्लीकेट लेयर दिख रहा होगा, यानी इसका दूसरा क्लोन बन जाएगा। इसी क्लोन को क्या करना है, यहाँ पे आपको इसका ओपेसिटी कम कर देना है। कुछ स्टेप से ओपेसिटी कम करना है ताकि इसका जो फेडनेस है, इसका जो ओपेसिटी लेवल है वो कम हो जाए। यही इमेज को क्या कर देना है, यहाँ पे टॉप में मूव टू डाउन लिखा है, पहले आपको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देना है, बड़ा कर देना है ओरिजिनल वाला फोटो से। इसे मूव टू डाउन कर देना है, यानी ओरिजिनल फोटो के पीछे ये वाला जो शेडो इमेज वाला जो इमेज है वो पीछे हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इतना सब एडिटिंग होने के बाद फ्रेंड्स फिर से क्या कर देना है, आपको सारे फोटो को यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज भी करना पड़ सकता है। यहाँ पे आपको ऑल फोटो वाला ऑप्शन में चले जाना है। ऑल फोटो वाला ऑप्शन में जाके फ्रेंड्स आपको 2023 का एक इमेज मिल जाएगा। ये वाला PNG इमेज आपको ऊपर टॉप में अलाइन करके थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर देना है। यहाँ से आपको क्या कर देना है, थोड़ा सा मैनेज भी करना पड़ सकता है। फिर से ऑल फोटो पे जाना और यहाँ से आपको क्या कर देना है, शेडो PNG लेना है। इस शेडो PNG का आप यूज़ इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। सो फ्रेंड्स, से चैनल पे बने रहना है। आपको यहाँ से क्या कर देना है, यहाँ पे ब्लेंडिंग का एक ऑप्शन रहेगा, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे चले जाना है। ब्लेंडिंग में आपको सबसे पहले स्क्रीन करना है। यदि आपका स्क्रीन लेवल अच्छा है तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे सेट कर देना है। अदरवाइज आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई पे क्लिक करके इसका ब्लैक कलर है वो आपको सामने दिख जाएगा। यही ब्लैक कलर को आपको ज़्यादा स्ट्रेच कर देना है, पूरे फोटो पे आपको फैला देना है। यहाँ से आपको चेकबॉक्स वाला ऊपर टॉप में ऑप्शन दिया रहेगा। इसकी सहायता से क्या होगा, आपका फोटो हाई रिजोल्यूशन के अंदर आपका सेव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस टाइप का फोटो एडिटिंग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नहीं तो चैनल को कर दिया सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।